तो आपके कितने भी अच्छे हेयर स्टाइल हो, आपकी कितनी भी अच्छी बॉडी हो, लेकिन सब कुछ एक चीज के आगे फेल हो जाएगा, जो है आपकी ड्रेसिंग। तो आज हम टॉप 5 चीजें देखने वाले हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। Everything is difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? Cause I don't got it. तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहली चीज है वो है वॉच। हम में से काफी लोग हैं जो सिर्फ इसको एज अ टाइम देखने की वाली चीज ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली ये आपकी स्टाइल को भी एक अलग लेवल तक ले जा सकती है ये वाली चीज। अगर आपके पास अभी तक वॉच नहीं है या फिर आप प्लान कर रहे हो तो एक अच्छी सी वॉच जरूर परचेस कर लेना। मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन से टाइम कैसी वॉचेस पहननी चाहिए, कौन से ओकेशन पे किस टाइप की वॉचेस होनी चाहिए आपके पास। तो वॉच के बाद जो सेकंड नंबर पे चीज आती है वो है परफ्यूम। मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, आप चाहो जो मर्जी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा माइल्ड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो कि लोगों को आपसे दूर जाना पड़े, आपके पास आने की जगह लोग आपसे फिर दूर दूर भागने लगे। तो बेसिकली परफ्यूम और ड्रेसिंग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि ना परफ्यूम लगाने के बाद आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये साइकोलॉजिकली थिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिख रहा है, नहीं, एक साइकोलॉजिकली वे में भी है ये चीज़ कि अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है दैट यू आर लुकिंग ऑन। तो आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकता है एक छोटा सा परफ्यूम। अब आते हैं हमारी थर्ड चीज़ के ऊपर, और थर्ड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो एक ब्लैक शर्ट या फिर एक ब्लैक टी शर्ट भी हो सकती है। सॉलिड ब्लैक टी शर्ट आपके स्टाइल लेवल को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकती है। अगर आपके पास अभी तक इन दोनों में से कुछ एक भी नहीं है तो प्लीज़ जितना हो सके सबसे पहले इसको बाय करो, और ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। ब्लैक शर्ट्स आर वेरी कॉमन, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। ये चीज़ आपके स्टाइल को अलग लेवल पे ले जा सकती है। हमारे लिस्ट पे जो फोर्थ चीज़ है वो बेसिकली एक फॉर्मल है। अगर आपने अभी तक फॉर्मल कभी ट्राई भी नहीं किया, आपने कभी पहनी भी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक फॉर्मल जो है कि ग्रे पैंट। अगर आपने आज तक फॉर्मल नहीं ट्राई किया, आपके पास कोई फॉर्मल नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ये और ब्लैक शर्ट एक साथ बहुत शानदार लगते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा जो है वो फील होगा, अच्छा लगेगा। ये बेसिकली लाइट ग्रे है, मैं डार्क ग्रे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको आपसे सिर्फ लाइट ग्रे की बात कर रहा हूँ। लाइट ग्रे और ब्लैक बहुत अच्छा लगता है एक साथ, आप खुद पहन के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा जो है वो फील होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फॉर्मल्स नहीं पहने तो ये वाली चॉइस आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और ये जो पैंट है, मैं ग्रे पैंट की बात कर रहा हूँ, ये आप आउटिंग में भी पहन सकते हो, अपने ऑफिस में भी पहन सकते हो, मतलब ये यूनिवर्सल पैंट है, आप हर जगह इसमें अच्छी ही लगोगे। तो ये थी हमारी फोर्थ चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं हमारी फिफ्थ चीज़ की तरफ। तो अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप दो शूज़ ले सकते हो, वरना मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही शूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये जो लोफर्स है ये अब हर एक के साथ अच्छे नहीं लगते, जैसे अगर आप फॉर्मल पहनोगे तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें आप अच्छे लगोगे। तो आज मैं आपसे एक यूनिवर्सल शूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, आप उसको जीन्स के नीचे भी पहन सकते हो, आप उसको हर चीज़ के नीचे पहन सकते हो, शॉर्ट्स छोड़ के, शॉर्ट्स बिल्कुल मत सोचना। तो देखते हैं वो वाले शूज़ कौन से हैं। तो मैं जिस शूज़ के बारे में बता रहा था वो है ये शूज़, ये आप फॉर्मल के नीचे भी पहन सकते हो, आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, इसको आप जीन्स के नीचे भी पहन सकते हो। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो एक तरह से बजट सेवर है, ये आपके पैसे भी बचाएगा, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये लोफर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इस तरीके के कोई शूज़ है तो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियोज़ आती रहेगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ की अपडेट के लिए।